तो चावल नहीं बनेंगे भाई, आज बनेगी रोटियां या पराठे। तो गाइज हम लोगों ने बैरागढ़ क्रॉस कर लिया था, अभी हम सतरुंडी से पहले है। यहाँ पर हमको एक कैंपिंग लोकेशन मिल गई है, यहाँ पर हम लोग टेंट लगाने वाले हैं। थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, पत्थर हैं, लेकिन अब मजबूरी में यही ऑप्शन है। आगे पूरा जो है लैंडस्लाइड एरिया है, तो आगे जाने का फायदा नहीं है, अपने को इधर ही कैंप करना पड़ेगा। Up above, the sunlight seems like it is gonna break in. And something ain't right. तो गाइस टेंट तो लग चुका है और थोड़ा उबड़ खाबड़ है सरफेस, लेकिन काम चल जाएगा। प्रॉब्लम एक ये है कि बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, तो हम बाहर खाना नहीं बना सकते, खाना भी अब हमें अंदर ही बनाना पड़ेगा। ठंड बहुत ज्यादा है, अभी हम हैं करीब 3500 मीटर की हाइट पर, आप समझ ही सकते हो कितनी ठंड होती है। 3500 तो नहीं है, लेकिन 3000 तो है, 3000 मीटर के आसपास की हाइट है। कुकिंग वुकिंग का इंतज़ाम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, जल्दी से खा के जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन बारिश तेज ना हो बस, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है पहाड़ों पे। एकदम फ्रेश वाटरफॉल का वाटर, ये अमृत है, अमृत बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां मिले हुई है इसके अंदर। तो ये देखिए क्या बढ़िया सी सनलाइट आ रही है, मौसम थोड़ा खुल गया है। और इधर हमारे महेश भाई गूंद रहे आटा, तो चावल नहीं बनेंगे भाई, आज बनेगी रोटियां या पराठे। रोटियां घी वाली। तो मौसम खुल गया है, सब्जियां हमारी सारी कट चुकी हैं, आटा गूंद गया है, खाने की तैयारियाँ पूरी हैं, बस सब्जी छोकनी है, फिर रोटी सेकनी है, और लगता है अंधेरे से पहले हम सब कुछ निपटा लेंगे। अंधेरे में फिर दिक्कत होती है यार, बहुत लाइटें जलानी पड़ती हैं। तो यार अपन अब जो है कुकिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्ज़ी और साथ में बनाएंगे रोटियां। तो पनीर की सब्ज़ी के लिए हमने प्याज जो है सब कुछ काट लिया है, महेश भाई बनाएंगे रोटियां। तो अपना दोनों का जो है काम फिक्स है, ऑयल हमारे पास है ही, इस बार हम ऑयल लेकर आए, वरना हर बार भूल जाते हैं।
गाइस बाहर ठंडी हवा इतनी तेज चल रही है कि हमारा जो बर्तन है ना वही गर्म नहीं हुआ था, अब ये गर्म होना शुरू होगा। तो अब हमारी कुकिंग का आगे का प्रोसेस चल रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम रोटी कैसे बनाएंगे, हमारे पास तवा भी है, 100 रुपये का तवा खरीदा ही हमने रास्ते में। तो अभी रोटी बनेगी, महेश भाई बेलेंगे, मैं सेकूंगा फटाफट और रोटी सेक के फिर खाएंगे अपनी सब्ज़ी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतना ठंडा है कि आप समझ लो कि सब्ज़ी नहीं बन पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी रात को और ज़्यादा ठंड हो जाएगी, कल सुबह जाएंगे हम साच पास, देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का नज़ारा। यहाँ से देख के लग रहा है बर्फ़ पड़ी है भयंकर ऊपर। भाई साहब रोटियाँ बन रही हैं, ना रोटियाँ बन रही हैं, तो गाइज ये देखिए ये हमारी बन गई है सब्ज़ी पनीर की और ये बन गई है रोटियाँ। तो मैं तो खा रहा हूँ और महेश भाई जब आएंगे तब खा लेंगे, भूख बहुत तेज़ है क्या बताऊँ। पहली बार कैंपिंग में ऐसा हुआ होगा कि अंधेरे से पहले खाना बन गया और मैं खा भी रहा हूँ, वरना हम पहुँचते ही लेट हैं, अंधेरे में बनाते हैं अंधेरे में ही खाते हैं। आज सब कुछ टाइम पे हो गया, कोई कमी नहीं है सब्ज़ी में, बिल्कुल टेस्टी बनी है। तो गाइस अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और डिनर हमारा हो चुका है, बारिश फिर से शुरू हो गई, आवाज़ आपको आ रही होगी थोड़ी बहुत, हल्की हल्की आ रही है अभी बारिश। तो प्लान ये है कि अभी हमारे सारे काम निपट चुके हैं, बाहर जा नहीं सकते, बारिश हो रही है, आग जलाने के लिए लकड़ी लाए थे वो आग भी नहीं जल पाएगी क्योंकि बारिश हो रही है, और स्टार्स देखने के लिए हम सोच रहे थे लेकिन स्टार्स भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। तो अब सुबह ही देखते हैं सुबह क्या नज़ारा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाना यार।
अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और पूरी रात बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है और लग रहा है पूरे दिन भी बारिश होगी। तो इसकी तो तैयारी हम करके आए थे, हमें मालूम था बारिश होनी है रास्ते में और थोड़ी सी बंद हो जाए तो टेंट वेंट पैक कर लें, नाश्ता कर लें, देखते हैं क्या होता है। तो यार सुबह के 7 बज चुके हैं और चाय का प्रोग्राम चालू हो गया है, चाय बनाने रख दी है। मौसम फिर से बिगड़ना शुरू हो गया यार, बीच में एक टाइम को ऐसा आया था कि हल्की हल्की धूप भी निकल आई थी 6 बजे के आसपास, लेकिन अब फिर से बादल लग गए हैं, फिर से बारिश का सीन हो गया। अब तो लग रहा है बारिश ही आएगी दोबारा से। और सच पास के ऊपर देख रहा हूँ मैं यहाँ से, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बादल हो रहे हैं, देखते क्या होता है। चलेंगे अभी तो चाय वाय बनाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, सामान भी पैक करना है। चाय यार अपनी बन गई है, हम बाहर खड़े होकर पीते हैं लेकिन बाहर बारिश शुरू हो गई तो अंदर ही पी लेते हैं। अरे भाई भयंकर मीठा हो गया, आपके तो मजा आ गए। चाय बढ़िया बनी एकदम मजेदार। अब महेश भाई जो है ना हमारे, ये पीते हैं चाय में मीठा तेज, और गलती से तेज डल गया है, इन केस आपकी चाय बन गई है। वैसे मैं भी पी लेता हूँ लेकिन मतलब ऐसे ही कोई फैन नहीं हूँ मीठी चाय का, ज़्यादा मीठी। तो ये हमारी जो नाइट वाली सब्जी है ना, ये बच गई थी तो उसको अभी हम निपटा देंगे। और भाई लेकर आए चूरमा, चूरमा के साथ पनीर की सब्जी हो जाएगी और हमारी आज वाट लगने वाली है। देखो मौसम कैसा हो रहा है, लेकिन हमें राइड करनी पड़ेगी आज। घी चूरमा गुड़ वाला, यही खाएंगे हम नाश्ते में, देसी घी का है भाई, जबरदस्त। टेस्टी यार, बहुत टेस्टी है। अब बारिश फिर से शुरू हो गई, आपको आवाज़ आ ही रही होगी टेंट के ऊपर, और क्या करें बैठे हुए मजे ले रहे हैं बारिश के। अभी सुबह के करीब 8 बज गए हैं और बारिश आई रही है हल्की हल्की, तो हम सोच रहे हैं यहाँ से अब निकला जाए, सामान वामान लोड करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे, देखते हैं साच पास पे क्या मिलने वाले नज़ारे। बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो वहीं चलते हैं। और इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार, क्योंकि कैंपिंग और राइडिंग एक साथ करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से आगे की कहानी देखने को मिलेगी, यहाँ से साच पास जो हम चढ़ेंगे बारिश में वो एडवेंचर देखने को मिलेगा, और अगर आगे क्रॉस कर पाए स्नो ज़्यादा ना हुई तो उसके आगे का एडवेंचर, आगे की कैंपिंग, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय।